हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ विजय यादु। आज के लेक्चर में हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट का डिस्कस करते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है? एक वर्कफोर्स जनरेट करता है, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप मेंटेन करता है, समझ रहे हो, कि हाउ टू परफॉर्म देयर वर्क। अकॉर्डिंग टू ब्रिज क्या बोलता है, इट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में उसका एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल एंड सोशल गोल्स को फुलफिलमेंट करने के लिए वर्क करता है। फिर अपन डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयज का, ठीक है, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन को वर्क करता है, हैंडल करता है। और जनरल मैनेजमेंट भी है ये, ठीक है। पर्सनल मैनेजमेंट का और क्या वर्क है, ये क्या करता है, एडवाइस एंड असिस्ट टू मैनेजर्स, ठीक। और इसका आगे है आपका पर्सनल जो मैनेजमेंट है, डील्स विद द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कंसर्न। तो ओवरऑल क्या करता है, जो भी इम्प्लॉयज है उसके ऑल टाइप ऑफ रिलेशन को मेंटेन करता है, उनका डेवलपमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और रोल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ये क्या करता है, जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है उसका हेड होता है वो, और ये जो मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डन करता है दोनों लेवल में। ही एडवाइज द लाइन मैनेजर एज ए स्टाफ स्पेशलिस्ट, और एडवाइस भी करता है। दूसरा क्या करता है, काउंसलर का भी रोल करता है, ठीक है, कि जो भी प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय है, एंड गाइड देम, उनको क्या हैंडल, अगर उनको एम्प्लॉयज को या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है एडवाइज उसको हैंडल करना है। मेडिएटर का भी वर्क करता है ये, ठीक है। और ये स्पोक्समैन भी होता है, जो अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको हैंडल करने का काम करता है,